हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ मतलब 2 दिन से हम किस काम में लगे हुए हैं। बिल्कुल हालत ख़राब हो रखी है। देखिए, जो सामान शिफ्ट हुआ था अभी लगा नहीं है, थोड़ा बहुत लगा है। देखिए, इस वाले बेड में मैंने लगा दिया, ये LED रखी हुई है, ये भी लगेगी। और देखिए, यहाँ पर ये फैला हुआ है और यहाँ पर भी ये फैला हुआ है। देखिए सारा, मतलब रात सोए थे तो इसलिए बेड वगैरह सही कर दिए थे, मतलब बेड शीट वगैरह लगा के, जिससे कि हम लेट गए थे। और यहाँ पर मैंने पुलाव बना दिए हैं क्योंकि भूख लगे, सुबह से कर रहे हैं काम, तो ये पुलाव बन रहे हैं। और इस वाले कमरे की भी हालत देख सकते हो क्या हो रखी है। तो पहले पुलाव वगैरह बना के खा पी लेते हैं, उसके बाद फिर से लग जाएंगे, क्योंकि बाहर का सभी सामान समेटा था। तो पहले जल्दी से ये काम कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह। किचन मैंने वैसे लगभग सेट कर दी है। देखिए, किचन तो मैंने लगा दी थी रात ही, क्योंकि खाना वगैरह बनाना था। तो अब पहले कर लेती हूँ बर्तन साफ। तो गाइस देखिए, मेरे पुलाव बनकर हो गए हैं तैयार। प्याज, दही और देखिए गर्मा गर्म पुलाव भाप उठे हैं। अभी कोई भी आई नहीं, वो बाहर काम कर रहे हैं, बच्चे भी बाहर हैं, अब आएंगे तब खाएंगे। मैंने सर्व कर दिए, इतने थोड़े ठंडे हो जाएंगे। और फिर गाइस, मैं यहाँ पर लग गई थी, बच्चों के जो टॉय वगैरह थे मैंने इस छोटे वाले कार्टून में रख रखे थे। जब हम उधर से आए थे तो मैं इस वाले कार्टून में, इसमें थोड़े बहुत टॉय थे और मैंने अपनी चूड़ियों के डिब्बा रख लिए थे। और अब मैंने ये निकाल दिए क्योंकि इन्हें मैं सेफ में सेट कर दूंगी। और देखिए, फिर जो कुछ फालतू सामान इसमें रखा था उसे निकाल रही थी मैं बाहर, क्योंकि इसमें मुझे बच्चों के टॉय रखने थे, तो सभी टॉय मैं इसमें रख दूंगी। देखिए, ये छोटे छोटे टॉय हैं, कई मतलब कई कार्टून हो जाते हैं बच्चों के, तो मैं मतलब टॉय वगैरह इधर उधर पड़े रहते हैं, तो इसलिए मैं सभी टॉय कार्टून वगैरह में ही रख देती हूँ। इतनी ज़्यादा समस्या हो रही थी कि क्या लगाऊँ क्या नहीं। और फिर देखिए, मैं यहाँ पर अंदर कमरे में आ गई थी, वो सभी टॉय वगैरह मैंने रख दिए थे। और यहाँ पर ये जो सूट केस वगैरह थे, जो मतलब जिसमें जो हमें कभी कभार चाहिए थे, वो मैंने ऊपर रख दिए थे अलमारी पे, मूढ़ी पे चढ़ी, और फिर मैंने ऊपर रख दिए थे इनको। देखिए, एक के ऊपर एक रख दिए मैंने, मतलब खुद ही उठा रही थी और खुद ही रख रही थी, कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं था घर में, बच्चे बाहर खेल रहे थे और घर में कोई नहीं था। और ये एक्स्ट्रा सामान कुछ, ये भी मैंने रख दिया था यहाँ पर ऊपर ही, सभी ऊपर ही रख दिया था, मतलब जो कभी कभार यूज होता है वो वाला सामान ऊपर रख रही थी मैं, बस पूछो मत, इतना ज़्यादा हो रहा था। और फिर देखिए, ये पेंटिंग वगैरह थी, एक हॉर्स वाली और एक ये दुल्हन राधा कृष्ण वाली, और तो ये मैंने उधर रख दी थी। और ये जो कपड़े मतलब सेप में लगाने थे, वो वाले मैं दोनों मूढ़ी पे रख दिए थे, मतलब ये पोटलियाँ बांध रखी थी, ये पोटलियाँ रख दी थी मैंने यहाँ पर। और बेड शीट तो मैंने रात बिछा दी थी नई, तो अब ये वाले मैं तकिया कवर चढ़ा रही थी, क्योंकि रात में मैंने तकिया कवर नहीं चढ़ाए थे, तो अब मैं तकिया कवर चढ़ाने लग गई थी। सारा दिन हो गया था बस इधर उधर सामान लगाना लगाना, और अभी तक भी मतलब सामान कुछ ज़्यादा नहीं लगा था इस कमरे में, मतलब सेट हो गया था, बस कपड़े रह रहे थे जो सेफ में रखने हैं, वो मैं अभी नहीं रख रही थी, तो इसलिए मैं लग गई थी ये वाले कपड़े वगैरह। मन की तब किए कि कवर चढ़ा देती हूँ और फिर मतलब ये वाला कमरा बिल्कुल सेट हो जाएगा, तो वो जो गंदे कवर थे वो मैंने नीचे डाल दिए। और इसमें कुछ मेरे 2-4 सूट रखे हुए थे जैसे उधर से आए थे, और सभी कपड़े निकाल लिए थे, तो मैंने सोचा कि इन्हें एक अलग पोलोथीन में रख देती हूँ और फिर बेड में रख दूँगी, क्योंकि इस वाली जो फालतू फालतू पोलोथीन थी वो सभी मैं अब बाहर डालने वाली थी। तो अब मैंने ये वाले सूट रख दिए थे अपने इसमें, और ये मेरा दुपट्टा, और फिर ये वाला भी दुपट्टा, 2-4 थे, ज़्यादा नहीं थे। और ये बेटे की यूनिफॉर्म, तो ये मैंने सभी एक साथ कर दी थी, ये गर्मियों वाली यूनिफॉर्म थी, तो ये मैंने कर दी। और फिर मैं इन्हें रख दूँगी बेड में, बेड भी मैंने लगा दिया था ये वाला पूरा, तो मतलब ये वाला कमरा बिल्कुल लग चुका था, बस सेप में लगाने के लिए कपड़े रह रहे थे और कुछ नहीं रह रहा था इसमें। शीशा वगैरह सभी लग गए थे, शीशा मेरी बेटी ने रात को ही लगा दिया था, उसने हेल्प कर दी थी। और अब मैं इस बेड शीट सही करने लग गई थी, मतलब बेड शीट तो
चेंज कर ही दी थी, तो मैं अब बेड शीट को अच्छे से दबाने में लगी थी, कोने की तरफ चली गई थी मैं, इसलिए नहीं दिखाई दे रही हूँ क्योंकि कैमरा इधर लगा हुआ था और मैं उधर थी। देखिए मैं उधर से सही से मतलब बेड शीट को सेट करके आई हूँ और मैं अच्छे से इसे दबा रही थी अब, क्योंकि फिर मैं झाड़ू वगैरह लगा दूंगी। तो गाइस देखिए मैंने इधर वाला बेड भी सेट कर दिया, जो यहाँ पर सभी सामान था वो भी, और ये वाला भी, ये वाले कपड़े मुझे सभी लगाने हैं सेप में, तो ये मैं सेप में लगा दूंगी। और ये खाली कार्टून रखे हुए हैं, और ये वाला कमरा भी देखिए हो ही गया है। देखिए मंदिर अभी रह रहा है, ये मंदिर लगाना है मुझे अभी, और देखिए बाहर से भी मैंने साफ कर दिया है। तो अभी थोड़ा और काम कर लेते हैं, फिर चाय वगैरह बना के पीते, टाइम काफ़ी हो गया, अभी चाय वगैरह कुछ नहीं पिए, तो लगते हैं काम में। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। और अब मैं इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक बाय।